क्या बीजेपी छठे चरण के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है? क्या बीजेपी वोटर्स को धमका रही है? इस तरह के तमाम सवाल समाजवादी पार्टी के आरोपों के बाद उठने लगे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में छठे चरण के चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर शिकायत की है कि बलरामपुर जिले की गेंसड़ी विधानसभा के बूथ नंबर 401 पर बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर मतदाताओं को धमका रहे हैं। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि ट्वीट कर अंबेडकर नगर जिले की आलापुर विधानसभा में बीजेपी नेता गुंडागर्दी कर रहे हैं और यहां तक कि पीठासीन अधिकारी को जान से मारने की धमकी भी दे डाली है। लगातार ऐसी तमाम खबरें भी सामने आ रही हैं कि बीजेपी किसी भी तरह चुनावों को बाधित करने की कोशिश या फिर गड़बड़ी कराने की कोशिश कर सकती है। साथ ही बलिया के लालगंज से भी सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां लालगंज चौकी के इंचार्ज भी मतदाताओं पर बीजेपी के पक्ष में वोट डालने का दबाव बना रहे हैं। अगर लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, तो फिर चुनाव आयोग को इस पर एक सख्त एक्शन लेने की बेहद जरूरत है।